सपोर्ट छोटा एल एन की चाहिए, ये मत बड़ा है ना, बड़ा। लिखाइए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे ज़िंदगी का रियल उस्ताद हमारा कौन है। और ये हमारा बाइक, और यही हमारा ज़िंदगी का पहला उस्ताद, रियल उस्ताद कह सकते हैं इसको। इस बाइक ने हमें बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ दिया भी है। इस बाइक की वजह से मैं कार ले पाया हूँ। 20 दिन, तकरीबन 20-22 रोज से बाइक यहाँ रखा हुआ, इसको जमाने की, इससे बहुत ही मोहब्बत है। जमा तो करना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जितना ही मोहब्बत हो, इसको जमा तो करना ही होगा। 20-22 रोज से हमारे पास रखा हुआ है, क्योंकि मैं तो कार से काम करता हूँ। और इन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। सैलरी से हमारा पैसा सैलरी से माइनस करेगा, कुछ भी कमी होगा तो इसके अंदर कोई बात नहीं। जब हमारे वजह से नुकसान हुआ तो हम तो देंगे ना, हमारे गलती से या हमारे वजह से नुकसान हुआ तो उसको पूरा जिस तरह उन्होंने दिया था उस तरह देना होगा ना। और यही है। और इधर शुरू करते हैं, ये रहा, यहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ, ये नंबर प्लेट में यहाँ पे गिरने की वजह से यहाँ पे स्क्रैच लगा हुआ और ये टूटा हुआ था। इसको फेविकिक से चिपका दिए थे, चल रहा था, लेकिन इसको चेंज कर, इसको इसका पैसा हमारा सैलरी से ये माइनस करेगा, पर कोई बात नहीं। और इधर से ये लेफ्ट गार्ड है, इसका लेता 75 रियाल। और ये पूरा खराब हो चुका है, यहाँ भी स्क्रैच लगा, यहाँ टूट भी गया ना, इसको पूरा चेंज ही करना पड़ेगा। इसका 75 रियाल लेता है। और इसका, और इधर तो सब ठीक है, तो सब ठीक ना। और ये यहाँ टूटा हुआ, थोड़ा सा टूटा हुआ, इसको चिपका लेकिन चिपका भी अच्छा से। इसका पूरा, ये तो चेंज करना तो पूरा चेंज होता है, इसका कितना, 120 रियाल लेता है इसका। और इधर भी थोड़ा सा ये स्क्रैच लगा हुआ, इसको भी इधर स्क्रैच है और इधर भी है। उसके बाद इधर ये बक्स खोलने की वजह से ना, यहाँ पे ये, और ये बक्स खोलने, बार बार ये बक्स खोलने, 2.5 साल कम नहीं होता है, ऐसे खोलते खोलते इसका पूरा पेंट खत्म हो गया है। और ये सीट फटा हुआ है, चलने के बाद तो कुछ तो होगा ना, थोड़ा बहुत तो कुछ तो होगा। और ये है मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी, इसको हमने अलग से लगाए थे। और ये इसको हम खोल लेंगे ना शाम में, अभी जा रहे ड्यूटी, अभी तो 10 बज रहा है ना, अभी ड्यूटी जा रहे, अभी ड्यूटी जा रहे हैं, ड्यूटी से आएंगे शाम में, तो इसको फिर वापस से गैरेज ले जाएंगे, वहां से खोल के, क्योंकि इसका तार इसके अंदर लगा हुआ ना, हेडलाइट के अंदर से ज्वाइनिंग किया है, इसे खोल लेंगे। और ये है मोबाइल मोबाइल स्टैंड, ये भी हमारा ही, इसको भी खोल लेंगे, निकाल लेंगे वापस से। और वो सब, ये तो सब ठीक है। और ये भी है सर, ये भी पूरा बंद है, देखते कितना खर्चा आता है शाम में, इसको ले जाएंगे वापस से गैरेज, जो भी खर्चा होगा इसको हम देंगे। और 2.5 साल चला है गाड़ी को, कोई भी मुश्किल नहीं गाड़ी में, 2.5 साल चलाने के बाद भी इंजन भी इतना बेहतरीन इंजन इसका, बहुत ही बेहतरीन इंजन इसका। 2.5 साल चलाने के बाद मैं 2 बार से कलच प्लेट चेंज किया, 2 बार। 2.5 साल में कितना चला है, 1,75,000, पौने 2 लाख किलोमीटर चला है। इसका इंजन बेहतरीन होता, अगर कभी हमको गाड़ी खरीदना भी है, सबसे पहला पसंद ये गाड़ी होगा मेरा, और नहीं तो किसी हुंडा कंपनी कोई सा भी गाड़ी, क्योंकि तो इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन होता है। और जैसे यहाँ पे कितना ये भी है ना, पल्सर भी है, 1 लाख किलोमीटर चलने से पहले ही पूरा इंजन, इसका पूरा इंजन ही उसका खुल जाता है। ये भी इसी रोड पे चलता है, कोई कहेगा नहीं भाई रोड भी यहाँ का अच्छा है, पेट्रोल भी अच्छा है, इसके लिए इतना चलता है, उतना अच्छा नहीं है, इसका इंजन बहुत ही बेहतरीन है होंडा का। और ये है बक्स, तो देखा इधर का ब्रांडिंग लगा हुआ, इधर भी ये ब्रांडिंग है, ग्रोसरी का, यह तलाबात हो गया, इधर खाना पीना हो गया। और ये यहाँ से लॉक खुलता है, यहाँ ताला था, यहाँ खराब हो गया ना, इसकी वजह से यहाँ से लॉक, इसके अंदर एक बैग होता है बड़ा सा, जो निकाल के हमने कार में रख दिए हैं। और ये हेलमेट, बस इतना कुछ होता है अंदर में, ये टोपी, हेलमेट बहुत ही बेहतरीन है, इसमें भी थोड़ा स्क्रैच आया गिरने के बाद, इधर थोड़ा सा आया हुआ है, काफी मजबूत हेलमेट है। और ये हमारा पंजा, अब तो इससे काम रहा नहीं, हर कोई बात नहीं।
अभी 11 बज रहा है, अभी हम जा रहे हैं ड्यूटी, 10 बजे ड्यूटी से आएंगे, रात में 10 बजे आएंगे, उसके बाद अच्छे से गाड़ी को साफ करेंगे, उसके बाद वापस लौटाएंगे गाड़ी को, देखते कितना बिल बनता है उसके बाद। और इस गाड़ी में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, और इसको स्कैन करता है, उसके बाद इसके अंदर पेट्रोल डालता है, स्कैनर उसको बेहतरीन से साफ करेंगे, उसके बाद वापस करेंगे। ये कुछ था 2.5 साल में गाड़ी का ये हालत, ये था, इतना कुछ नुकसान किया था। अब चलेगा तो बारिश में बहुत भी मुश्किल होता है, बारिश में ये 2 बार जो मैं बाइक से गिरा सिर्फ बारिश ही में गिरा हूँ, बारिश में थोड़ा सी ब्रेक लेते गाड़ी फिसल जाता है, और काफी बेहतरीन गाड़ी है, जितना भी तारीफ करें उतना भी कम है। 2 लाख किलोमीटर चलना मामूली बात है, उसमें से कुछ भी खराब, 0 से लेकर 2 लाख किलोमीटर चला है 2.5 साल में, गाड़ी में कुछ खराबी नहीं हुआ, बस वही है 2 बार क्लच वेट चेंज हुआ। वो यहाँ शोरूम से गाड़ी लेंगे ना, उसमें भी क्लच वेट का गारंटी नहीं देगा। यही कुछ था, आप चलते हैं अपना ड्यूटी, रात में आने के बाद वापस से गाड़ी साफ करेंगे, उसके बाद जमा कराएंगे, देखते हैं कितना खर्चा आता है, कितना खर्चा बोलता हूँ। अभी हमारी ड्यूटी ख़त्म हो चुका है और हम आ चुके हैं अपना रूम पे, अभी जा रहे हैं गैरेज, उसके बाद वापस से गाड़ी जमा करेंगे। तकरीबन 20 दिन बाद गाड़ी चलाएंगे आज। अभी हम आ चुके हैं गैरेज में और हमको ये खोलना पड़ेगा, मोबाइल मोबाइल स्टैंड और मोबाइल चार्जर पड़ेगा, यहीं से खोलेंगे। और ये हुआ सीनियर मैकेनिक, ये सीनियर मैकेनिक, और ये सब हर सामान रखता है, इसमें टायर जो भी है पूरा ग्लव्स व्लव्स जो भी है सब बेहतरीन तरीका से रखता है, और नया गाड़ी भी सेल के लिए रखा हुआ, कोई रेडर इसको ऑर्डर किया होगा तो ये लेके रखा है। कितना कीमत इसका? इसका कीमत है 8,500। ये होंडा यूनिकॉर्न 160, इतना बेहतरीन नया है ना, ये सिर्फ अपना कंपनी के लिए, बाहर का कोई लेगा तो 8,500, और इसका खुद का कंपनी कोई आदमी लेगा तो उसके लिए डॉन का उससे हर महीने 500 रियाल, 8,500 पुगा देगा, उसके बाद छोड़ देगा, कंपनी कंपनी भी हेल्प करता ना। अच्छा खोलिए जल्दी फटाफट, छोटा एल एन की चाहिए ये, बड़ा है ना, बड़ा लिखाइए। और ये दोनों खुल चुका है, और ये यूएसबी स्विच यहाँ से खोल के चार्जिंग में लगाते हैं, ये यहाँ से ये यूएसबी स्विच, और ये है मोबाइल स्टैंड, दोनों खुल चुका, आप चल रहे हैं अपना अपना रूम की तरफ। अभी हम आ चुके अपना रूम पे और गाड़ी तो जमा नहीं हो पाया, देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं फिर ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।